हाय गाइस, आज हमारा डिस्कशन रहेगा माइक्रोस्कोपी टेक्निक्स को लेकर कि माइक्रोस्कोप्स क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपी टेक्निक किसे कहते हैं, हम इस टेक्निक का यूज़ क्यों करते हैं। और ये हमारा कंप्लीट वीडियो सीरीज़ रहेगा जिसमें लगभग 6 से 7 वीडियोस होंगे, जिसमें फर्स्ट वीडियो हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो रहेगा कि माइक्रोस्कोपी क्या होती है, कितने टाइप की माइक्रोस्कोपी होती है और कुछ जो बेसिक टर्म्स हम यूज़ करते हैं माइक्रोस्कोपी रिलेटेड, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैग्निफिकेशन एंड रिजोल्यूशन, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, इन सब का क्या मीनिंग होता है और ये किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं, ये सब हम इंट्रोडक्शन पार्ट में कवर करेंगे। एंड देन उसके बाद माइक्रोस्कोपी के जो कितने टाइप्स होते हैं वो सब, हर एक टाइप जैसे ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, कन्फोकल एंड फ्लोरिसेंट माइक्रोस्कोपी, सैम, टैम, एटॉमिक प्रोब स्कैनिंग माइक्रोस्कोपी, ये सब हम कवर करेंगे वन बाय वन इस वीडियो सीरीज में, डिटेल में। हर एक वीडियो में हम वन बाय वन सभी टाइप्स को कवर करते चलेंगे। कंटिन्यूएशन में यहाँ पर हम 6 से 7 वीडियोस अपलोड करेंगे, तो आप सभी वीडियोस को फॉलो कीजिएगा, ताकि अगर आप सारे वीडियोस प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो आई होप कि अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए अपेयर करते हैं या किसी एंट्रेंस एग्जाम के लिए अपेयर करते हैं तो आप माइक्रोस्कोपी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो उसको आप अटेम्प्ट कर पाएँ और उसको आप आंसर कर पाएँ। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि माइक्रोस्कोपी होती क्या है। माइक्रोस्कोपी के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि हम माइक्रोस्कोपी क्यों यूज़ करते हैं। तो हमारे सराउंडिंग इन्वायरमेंट में बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं जिनको हम अनएडेड आई से विजुअलाइज नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर हम अपने आसपास के इन्वायरमेंट की बात करें तो इस सराउंडिंग इन्वायरमेंट में बहुत सारे वायरसेस एंड बैक्टीरिया होते हैं जो कि हम नहीं देख सकते हैं अगर हम अपनी डायरेक्ट आई से देखना चाहें। तो वो सभी चीज़ें जिनको हम अनएडेड आई से नहीं विजुअलाइज कर सकते हैं, उनको विजुअलाइज करने के लिए हम माइक्रोस्कोप्स का यूज़ करते हैं। जैसे सेलुलर प्रोसेस हो गई, जो मॉलिकुलर लेवल पर जो भी हमने स्टडीज़ किए हैं वो सब तरह के स्टडीज़, जैसे सेल डिवीजन कैसे होता है, रेप्लिकेशन कैसे होता है और किस तरह से बैक्टीरिया ह्यूमन सेल को इन्फेक्ट कर पाते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया या वायरसेस कैसे इन्फेक्ट कर पाते हैं, तो वो सब स्टडी जो माइक्रो लेवल पर की जाती है जिसको हम अनएडेड आई से विजुअलाइज नहीं कर सकते हैं, उस तरह की स्टडी को परफॉर्म करने के लिए हम माइक्रोस्कोप्स का यूज करते हैं। तो माइक्रोस्कोप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। आप सभी ने इस तरह का माइक्रोस्कोप को लैब में जरूर देखा होगा और सभी ने हैंडल किया होगा। और उसमें हम देखते हैं कि हम एक स्लाइड लेते हैं, स्लाइड के ऊपर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म रखते हैं, जिस भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम विजुअलाइज करना चाहते हैं, वायरस है, बैक्टीरिया है या कोई और प्रोसेस, अगर हम कुछ और विजुअलाइज करना चाहते हैं उसको हम स्लाइड पर लेते हैं, हम माइक्रोस्कोप में रखते हैं एंड देन हम आई से विजुअलाइज कर सकते हैं, तो हमें एक बिगर पिक्चर में इमेज मिलती है। तो हमें पता चलता है कि हाँ, यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें तो हमें पता चलता है कि हाँ, ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया इस शेप में बैक्टीरिया है, फ्लैजिला है इस बैक्टीरिया पर या नहीं है। तो इस तरह की स्टडी जो करने के लिए हम सब ने, ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने माइक्रोस्कोप लैब में यूज़ किया होता है। तो ये होता है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोपी क्या होती है? वो साइंस जहाँ पर हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं उसे हम माइक्रोस्कोपी कहते हैं। माइक्रोस्कोपी की अगर बात की जाए ब्रॉडली तो माइक्रोस्कोपी 3 कैटेगरीज में डिवाइड की गई है, जिसमें से फर्स्ट होता है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी या फिर लाइट माइक्रोस्कोप्स, एंड सेकेंड होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एंड थर्ड होता है स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोप। जिसमें से लाइट माइक्रोस्कोप की अगर बात की जाए तो लाइट माइक्रोस्कोप में आते हैं ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी, लाइट माइक्रोस्कोप में आते हैं ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, कन्फोकल माइक्रोस्कोपी, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी एंड फ्लोरिसेंट माइक्रोस्कोपी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आते हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और अगर हम स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोप की बात करें तो यहाँ पर आता है एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी, जिसमें से ये सभी टाइप्स हम वन बाय वन डिटेल में नेक्स्ट अपनी अपकमिंग वीडियोज़ में कवर करते चलेंगे। तो यहाँ पर जैसे आप देखेंगे लाइट माइक्रोस्कोपी, यानी ये जो कैटेगरी की बात हुई है इसमें हम लाइट का यूज़ करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या फिर किसी भी सेलुलर प्रोसेस को विजुअलाइज करने के लिए। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, जैसे कि नाम से पता चलता है, इसमें हम इलेक्ट्रॉन बीम का यूज़ करते हैं स्मॉल ऑर्गेनिज्म को विजुअलाइज करने के लिए। एंड स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोपी, यानी यहाँ पर प्रोब यूज़ किया जाता है जो कि स्कैन करके हम, जिसकी हेल्प से स्कैन करके हम ऑर्गेनिज्म को विजुअलाइज कर सकते हैं, सेलुलर प्रोसेस को विजुअलाइज कर सकते हैं। माइक्रोस्कोप के अगर हम कंपोनेंट की बात करें तो 2 मेन कंपोनेंट होते हैं, लाइट
क्योंकि लाइट की वजह से ही हम विजुअलाइज कर पाते हैं. और लेंस, लेंस के साथ जुड़ा होता है मैग्नीफिकेशन वर्ड, कि मतलब लेंस कितनी मैग्नीफिकेशन पावर का है. मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है कि कितना बड़ा इमेज वो हमें शो कर सकता है. ये जैसे कि अगर किसी लेंस की बात की जाए तो अगर 20x लेंस है, यानी ये जो रियल इमेजेस, रियल इमेज की 20 गुना ज़्यादा बड़ी इमेज फॉर्म कर सकता है अगर कोई लेंस 20x मैग्नीफिकेशन पावर का है. अगर कोई लेंस 80x मैग्नीफिकेशन पावर का है, इट मीन्स ये लेंस उस इमेज को 80 गुना ज़्यादा बड़ी करके दिखा सकता है. अगर किसी माइक्रोस्कोप में सिर्फ एक लेंस है तो इस तरह के माइक्रोस्कोप को हम सिंपल माइक्रोस्कोप बोलते हैं. और अगर किसी माइक्रोस्कोप में एक से ज़्यादा लेंस हैं, दो लेंस हैं या तीन लेंस हैं, तो इस तरह के माइक्रोस्कोप को हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोलते हैं. जैसे अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात की जाए तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में तीन तरह के लेंस होते हैं, कंडेंसर लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस लेंस. तो नाम से ही पता चलता है कंडेंसर लेंस जो कि लाइट को कंडेंस करता है, इसलिए इसको हम कंडेंसर लेंस बोलते हैं. ऑब्जेक्टिव लेंस, जिस ऑब्जेक्ट को हम विजुअलाइज करना चाहते हैं उस ऑब्जेक्ट के पास जो लेंस होता है, उस विजुअलाइजेशन में जो लेंस हमें हेल्प करता है उस लेंस को हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं. और आईपीस या ऑकुलर लेंस जो हमारे आई के पास रहता है जिससे हम देख सकते हैं माइक्रोस्कोप में. तो नाम से ही पता चल रहा है इन तीनों लेंस का क्या क्या काम है. आईपीस जो कि आई के पास रहता है जो हमें विजुअलाइजेशन में हेल्प करता है, और ऑब्जेक्टिव लेंस जो ऑब्जेक्ट के पास रहता है, एंड कंडेंसर लेंस जो लाइट सोर्स के पास होता है. तो इस तरह का माइक्रोस्कोप जिसमें एक से ज़्यादा लेंस होते हैं, इस तरह के माइक्रोस्कोप को हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं. और आईपीस लेंस की जो मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन पावर रहती है वो 10x रहती है. यानी ऑब्जेक्टिव लेंस ने, सपोज ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्नीफिकेशन पावर 2x है सपोज, तो टोटल इस तरह का माइक्रोस्कोप जिसमें ऑब्जेक्टिव लेंस भी है, आईपीस लेंस भी है, तो इस तरह के माइक्रोस्कोप की टोटल मैग्नीफिकेशन पावर कितनी होगी? टोटल मैग्नीफिकेशन पावर होगी ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्नीफिकेशन पावर इनटू आईपीस लेंस की मैग्नीफिकेशन पावर. अगर ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्नीफिकेशन पावर 2x है और आईपीस लेंस की मैग्नीफिकेशन पावर 10x है, सपोज यहाँ हम एग्जाम्पल के तौर पर बात कर रहे हैं, 2x इंटू 10x इज इक्वल्स टू 20x, यानी इस माइक्रोस्कोप की टोटल मैग्नीफिकेशन पावर हो जाती है 20x. यानी ये जो माइक्रोस्कोप है ये हमें जो हमारे माइक्रोब है या फिर कोई हम प्रोसेस जिसको भी हम विजुअलाइज करना चाहते हैं उस प्रोसेस को, उस स्टेप को 20 गुना ज़्यादा बड़ा करके दिखा सकता है. यहाँ पर 2 हमने एग्जाम्पल के तौर पर लिया, आप 100,000x कितना भी आप मानकर आप पढ़ सकते हैं कि 100x या फिर 1000x मैग्नीफिकेशन पावर किसी लेंस की होती है. तो मैग्नीफिकेशन का मतलब हुआ कि कितना बड़ा वो इमेज हमें फॉर्म करके दिखा सकता है. इसके साथ साथ अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि लाइट कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, रिजोल्यूशन पावर किसे कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कैसे इंपॉर्टेंट रोल रहता है, और ये जो हम, क्योंकि हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतना स्मॉल रहता है, बहुत स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है, इसकी हमें बिगर पिक्चर कैसे मिलती है, मतलब वो क्या पाथ होता है, लाइट पाथ क्या होता है कि जिसकी वजह से हम स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बिगर पिक्चर विजुअलाइज कर सकते हैं. तो ये 2 से 3 पॉइंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. देन उसके बाद हमारा ब्राइट फील्ड एंड डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, मीन्स हम माइक्रोस्कोप के टाइप्स सब धीरे धीरे कवर करते चलेंगे. तो नेक्स्ट वीडियो आप देखिए कि किस तरह से बिगर पिक्चर फॉर्म होती है और रिजोल्यूशन पावर का क्या मतलब होता है.